बोले मैं बड़े दिनों से ये पानी में था, मेरे को बड़े भूख लग रहा है, मेरे खाना खिलाओ। तो उनके लिए रसोई बनाया, रोटी सब्जी बनाए तो बोले देखो बगैर चाटनी के थोड़ी आनंद आता है, कोई तो खटक के तो चाटनी होनी चाहिए ना। तो उन्होंने नीमफली पत्ता का चाटनी बनाया, बोले मेरे को नींद आ रही, मेरे को सुला थोड़ा। तो उन्होंने फूल की सज्जा में उनको सुलाया, बोले देखो पैर बड़ा दर्द कर रहा है, थोड़ा पैर दबा दो, पैर दबाए, बोले ठंडी गरीब लग रहा है, थोड़ा हवा तो दो, हवा तो करो। तो उन्हें ठाकुर जी को उन्होंने हवा भी की है। देखो ये जो ठाकुर, ये ठाकुर भक्तों के सागर कथा बहुत ले, ये ठाकुर है कि आपको जो भक्त आपको प्रकट कर ना हो श्री लोकनाथ दास गोस्वामी महाराज है। जिते बेले ये ठाकुर से प्रकट कर ले, से कहले मु बहुत दिन ठाकुर खाइबा खाइनी, मतलब भोक लगुच, मतलब किसी भोजन करा, से तरकारी फरकारी डाली भात करे, बोले कहले तो चटनी फाटनी कर ना, चटनी छड़ा कौन भल लगे। तर चटनी करले भूख कर बैठ ठाकुर तो मतलब चटनी चटनी बनाओ, से चटनी करले, बोले बहुत दिन ठार सोई नहीं ठीक है, बेड तैयार कर दो। तर से बेड तैयार करले, बेड तैयार करले, बोले गोड़ टिके टिपी दियो भूम लगे, तो गोड़ टिपिले। तापर कहले हवा हवा टिके करो, हाँ गरम लगुच, तो हवा करले। तर ये दिया देख लो, ये दिया साक्षात रूप से कथा कहते भक्तों सागर, साक्षात भाव से कथा कहते। तेणु ये दिया महाप्रभु जे भक्त ताकर द्वारा प्रकटित विग्रह, किंतु हेले से द्वापर युग हेले विग्रह कौन सी भक्त मान द्वारा वज्र नाम द्वारा स्थापित होते, मुसलमान मैंने आक्रमण करले, भक्त मैंने सब इे सारे फोपाड़ी लुचे पलि जाते। सी प्रकट हेले महाप्रभु द्वारा भक्त मैंने आसिले द्वारा ये सब ठाकुर प्रकट हेले। तेणु आम एत दूर दौड़ दौड़ी आसू ये दिए को देखापी, शीघ्र शीघ्र चलो राधा दामोदर मंदिर बंद हो, अभी जल्दी जल्दी चलो राधा दामोदर भी बंद हो जाएगा, जल्दी जल्दी चलो वहाँ राधा दामोदर।